टेलीविजन का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसी न किसी वजह से हेडलाइंस में रहता है। एक बार फिर शो शैलेश लोढ़ा की वजह से चर्चा में है। शैलेश लोढ़ा 6 महीने पहले शो को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में उन्हें लेकर खबर आई है कि मेकर्स ने अब तक उनकी 1 साल की पेमेंट नहीं दी है। वहीं अब इन खबरों को लेकर शो के मेकर्स का जवाब आया है, क्यों नहीं दी शैलेश लोढ़ा की बची हुई पेमेंट। शैलेश लोढ़ा की पेमेंट को लेकर आई खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। इस पर खबर का दूसरा पहलू भी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोजेक्ट हेड सुहेल रामानी का कहना है कि शैलेश लोढ़ा ने अब तक सभी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए हैं। बार बार कहने के बावजूद उन्होंने पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया है। कंपनी से निकलते वक्त आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। प्रोडक्शन हाउस के एक सूत्र का कहना है, आज तक कंपनी ने किसी का पैसा नहीं रोका है। अधूरी जानकारी के बिना कंपनी को गलत तरीके से बदनाम करना गलत है। शैलेश लोढ़ा और अन्य कलाकार प्रोडक्शन हाउस में एक परिवार की तरह रहे हैं। हमने सम्मान की वजह से उनके बाहर निकलने पर कुछ नहीं कहा। वहीं जब कोई कलाकार शो छोड़ने के बाद इस तरह का व्यवहार करता है तो बड़ा दुख होता है। बकाया पेमेंट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें जरूरी कागजात पर साइन करना होगा। नेहा मेहता का अमाउंट भी नहीं हुआ क्लियर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब मेकर्स ने किसी का पेमेंट करने में देरी की है। शो का हिस्सा रही नेहा मेहता का भी चेक अब तक जारी नहीं किया गया है। नेहा मेहता का 30 से 40 लाख रुपया बकाया है जिसे मेकर्स ने अब तक क्लियर नहीं किया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ स्टार्स और शो के मेकर्स ही बता सकते हैं। फिल्म जगत की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।